सभी को जय हिंद। पिछली सरकार की याद इस सरकार को जरूर आ गई होगी, क्योंकि यहाँ स्टूडेंटों ने जो कर दिखाया है इससे उनको बर्थडे का गिफ्ट जरूर मिल गया होगा। भले सीएम सर के द्वारा अभी तक स्टूडेंट को कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं मिला है, सिर्फ मीडिया प्रभारी और उनके प्रवक्ता जो हैं, वही मीडिया जो हैं वो पेपर में छाप दे रहे हैं डेली 2 लाख वैकेंसी, 1 लाख वैकेंसी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ दिखता नहीं है। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो आके न्यूज़ चैनल पर आके बोल दे रहे हैं कि 2021 अभी भी नियुक्ति वर्ष है और 31 दिसंबर का टाइम ले रहे हैं, 31 दिसंबर तक नियुक्ति वर्ष प्रूव किया जाएगा। तो पता नहीं, यहाँ सरकार का कहना मुश्किल है, लेकिन नियोजन नीति अभी जो है उसमें सुधार की ज़रूरत है। और अगर नियोजन नीति फिर से बनती है तो उसके लिए फिर से टाइम दिया जाएगा। और उस स्थिति को देखते हुए नहीं लगता है कि 2021 में कोई नियुक्ति वर्ष मनाने वाली है ये सरकार, और फिर 2021 और नियुक्ति वर्ष फिर से फ्लॉप साबित होगा। हमेशा की तरह इस सरकार में यही होता आया है। और कल की बात करें तो कल जो ये आंदोलन हुआ है इसका प्रभाव सरकार पे बहुत गहरा पड़ेगा, और इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा सरकार की ओर से। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इसकी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। और उसके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है रघुवर दास। वो सिर्फ स्टूडेंट की देन है कि वो यहाँ से बाहर चल गए, और हेमंत सोरेन खुद को देखना चाहिए कि स्टूडेंट के चलते ही वो सत्ता में आए हैं। और ये सब देखते हुए भी उनको सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति उनका 3 साल का नहीं है, उनको भविष्य भी देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ का स्टूडेंट, यहाँ का छात्र, झारखंडी छात्र अब जाग चुका है, वो अपना हक की बात करता है, नियोजन की बात करता है, यहाँ स्थानीयता की बात करता है। और मैट्रिक इंटर नहीं चलेगा, इनका विरोध साफ यहाँ के छात्र नेता और छात्र कर रहे हैं कि मैट्रिक इंटर नहीं चलेगा, यहाँ खतियान आधारित जो होता है नियोजन और स्थानीयता होनी चाहिए, और जिससे झारखंडी को हक मिले और होनी भी चाहिए। मैट्रिक इंटर से बाहरियों का यहाँ जो है रास्ता खुल जाता है। और क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी कुछ दिक्कत है, क्षेत्रीय लैंग्वेज मात्र यहाँ पे 9 है, और जबकि यहाँ पे 12 कर दिया गया है। उर्दू को जोड़ दिया गया है, उड़िया को जोड़ दिया गया है, बंगला को जोड़ दिया गया है, और उस 3 लैंग्वेज को भी हटाने का यहाँ जो है आंदोलन किया जा रहा है। और बहुत जल्द इस पर सुनवाई भी सरकार को करनी होगी, नहीं तो छात्र नेता और छात्र मिलके यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का जो है मुकदमा भी दायर करेंगे। क्योंकि सरकार जो वादा करके सत्ता में आई है वो सिर्फ धोखाधड़ी है, कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं की है। और सभी स्टूडेंट से मेरा यही आग्रह है कि कोई भी जो है छात्र नेता और छात्र सबका साथ दें, इसमें आपकी भी भलाई है, आपके लिए भी आवाज़ उठ रहा है, सामुदायिक आवाज़ है, आपकी हक की बात की जा रही है, झारखंड की बात की जा रही है। इसलिए सब लोग एकजुट हो जाएं और मिलजुल के काम करें। धन्यवाद।